कोरोना काल के बीच रेलवे यात्रियों को लेकर लगातार सजग दिखाई दे रहा है। यात्रियों की सहूलियत को लेकर रेलवे लगातार ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर से रोजाना औसतन 35 ट्रेनें गुजर रही हैं, तो वहीं रोजाना करीब 25,000 यात्रियों का आवागमन हो रहा है। इसके साथ ही अधिकतर रूट्स पर ट्रेनों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कुछ रूट्स ऐसे हैं जिनमें ट्रेनों की आवश्यकता होने के बावजूद ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। हालांकि ट्रेनों का संचालन बढ़ने से कुलियों को भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। वहीं जयपुर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे ने। कोरोना काल के बीच रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है कि यात्रियों को सुगमता पूर्वक उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। इसी के चलते यदि बात करी जाए तो राजधानी जयपुर से रोजाना करीब 35 ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। वहीं लगातार यात्री भार बढ़ता देख 15 से 20,000 यात्री भार लगातार चल रहा है, तो ट्रेनों की भी बढ़ोतरी करी जा रही है। लेकिन कुछ रूट अभी भी ऐसे हैं जहां पर फिलहाल के लिए ट्रेनों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो हावड़ा का रूट हो, गोवा का रूट हो, या दिल्ली के रूट के लिए अगर बात करी जाए तो डबल डेकर ऐसी ट्रेन थी जहां पर लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बंद होने के बाद से। इसके साथ ही यात्री भार की अगर बात करी जाए तो कुछ कुली हैं, उनसे एक बार बात करेंगे कि जब एक तरफ यात्री भार बढ़ रहा है तो कितना फायदा कुलियों को हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बीच जब कुली 2 जून रोटी के लिए परेशान हो रहे थे, तो वहीं अब जब यात्री भार रोजाना 25,000 है तो उन्हें कितना इसका फायदा देखने को मिल रहा है। इस समय यात्री भार लगातार बढ़ा हुआ है, करीब 35 ट्रेनें गुजर रही हैं, कितना फायदा आपको हो रहा है? देखिए, मुझे 40 साल हो गए हैं काम करते हुए, मेरा नाम फुल मोहम्मद है, और मैंने कभी भी मेरी लाइफ के अंदर ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ इस तरीके से लॉकडाउन के अंदर इतनी मुसीबतें पैदा होगी, और हमें काफ़ी मुसीबतें का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि जो है त्यौहार वगैरह जो है, होली दिवाली वो जो है, ईद वगैरह दिवाली वगैरह जो है, इनमें इतने बच्चों के लिए हमें परेशानी हुई कि बच्चों का हम जो है कोई भी खुशी नहीं दे पाए, और कुछ जो संस्थाएं जो हमें दी है उससे हमें जो है काफ़ी बेनिफिट मिला है। हम उन संस्थाओं को जो है धन्यवाद देते हैं, और रेलवे बोर्ड की तरफ से या रेलवेयों की तरफ रेल की तरफ से हमें कुछ भी जो है नहीं मिला है, ना कोई ऐसा आश्वासन दिया है कि हम तुम्हें बाद में दे देंगे, आप कहीं से जो है लेके कर लो। मगर हमें क्या है कि बहुत सी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब थोड़ा सा जो है हमें जाके थोड़ा रिलीफ मिला है, और इसके अंदर क्या है कि कुछ गाड़ियां चल गई तो 3-4-5 महीने के बाद में हमें रिलीफ मिला हल्का हल्का, तो ताकि जो है हम हमारा गुजारा कर लेते हैं। कहीं ना कहीं यात्री भार बढ़ने से सुविधा मिली है, कुछ और कुली हम उनसे बात करेंगे। रेलवे बोर्ड ने कोई मदद नहीं करी आपकी, तो किस तरह से आपने गुजर बसर किया इस पूरे लॉकडाउन के बीच? सर, रेलवे ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, और धंधा पानी बिल्कुल था नहीं यहाँ पे, हमें थोड़ा पैसा उधार सुधार लेके किया है, इसी से हमारा गुजारा चला है, और रेल ने कुछ ही नहीं दिया हमारे। कहीं ना कहीं जो कुली है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यात्री भार लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यात्री यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, जो रोजाना करीब 25,000 जो औसतन यात्री भार है वो देखने को मिल रहा है। यात्री भार में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं यदि बात करी जाए तो कुलियों को भी फायदा हो रहा है, और कहीं ना कहीं रेलवे को भी फायदा हो रहा है। यदि बात करी जाए रेलवे के राजस्व की, तो रेलवे ऐसा एक विभाग निकला जिसने पूरे लॉकडाउन के बीच भी बीते वर्ष से ज्यादा राजस्व प्राप्त किया। इस बार का जो रेलवे का राजस्व रहा वो बीते वर्ष से अधिक रहा, तो कहीं ना कहीं रेलवे को यात्री भार और माल भाड़ा जो ट्रेनें रही उससे कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिला है। बहरहाल अब देखने वाला होगा कि आगामी दिनों में रेलवे लोकल जो ट्रेनें हैं उनका संचालन करता है कि नहीं करता है, क्योंकि NWR ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव पहले ही दे रखा है कि ट्रेनों का आवागमन शुरू किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड अभी भी अपनी मनमर्जी से ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ ऋषभ पांडे, A1 TV News, जयपुर।